हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो न्यूज में। चलिए जानते हैं क्रिप्टो की आज की बड़ी खबरें। दोस्तों, पैट्रियन क्रिएटर्स को जल्द ही लोगों के लिए क्रिएटर क्वाइंस अवेलेबल करने का परमिशन दे सकता है। पैट्रियन अभी तक अपने क्रिएटर्स को इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रहा था कि वो अपने प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो क्वाइंस ऑफर करे, लेकिन अब ये बातें सामने आ रही है कि पैट्रियन क्रिप्टो के यूज को लेकर इवेल्युएट कर रही है, यानी कि क्रिप्टो के यूज से रिलेटेड फैक्ट्स और बाकी चीजों का स्टडी कर रही है। यानी कि फैंस अब अपने क्रिएटर्स की ओर से जारी किए गए क्वाइंस को खरीद सकेंगे। फैंस क्रिएटर क्वाइंस को बाय करके क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकेंगे। दोस्तों, पैट्रियन एक अमेरिकन मेंबरशिप प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स को मंथली इनकम अर्न करने में हेल्प करता है। यहाँ आर्टिस्ट और क्रिएटर्स अपने सब्सक्राइबर्स को रिवार्ड्स और पर्क्स देते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि पैट्रियन क्वाइंस और NFT दोनों को इशू कर सकता है। जानते हैं क्रिप्टो न्यूज में अब अगली खबर। दोस्तों, अमेजन वेब सर्विसेज एसेट अंडरराइटिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और क्लाउड में कस्टडी के लिए एक स्पेशलिस्ट की सर्च में है। अमेजन वेब सर्विसेज क्रिप्टो सेटलमेंट एंड कस्टडी को क्लाउड पर लाना चाह रहा है। इसके लिए अमेजन वेब सर्विसेज एक फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेशलिस्ट को हायर करना चाह रहा है जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ काम करे, साथ ही जो क्रिप्टो स्टेबल क्वाइंस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, नॉन फंजिबल टोकन्स जैसे डिजिटल एसेट्स में ट्रांजेक्शन होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर सके, यानी कि उसमें चेंजेस लाए। दोस्तों, अमेजन का डिजिटल एसेट्स में इंटरेस्ट को लेकर ये भी एक्सपेक्टेशंस जताई जा रही है कि अमेजन जल्द ही कुछ पेमेंट टोकन भी ला सकता है, जैसे कि अमेजन क्वाइन। अमेजन वेब सर्विसेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और कस्टडी के अकॉर्डिंग डेवलप कर रहा है। दोस्तों, क्रिप्टो न्यूज में अब हम बात करेंगे सैंडबॉक्स क्वाइन की, जिसकी प्राइस बीते 24 घंटे में काफी पंप हुई है, और अभी की इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी आज की कीमत $1.89 है। पिछले 24 घंटों में सैंडबॉक्स में 71.7% की बढ़ोतरी हुई है और इसका करंट मार्केट कैप रैंकिंग 74 है। दोस्तों, सैंडबॉक्स साल 2011 में लॉन्च हुआ था। ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल दुनिया है जहां यूजर्स गेम के फॉर्म में डिजिटल एसेट्स को क्रिएट, बिल्ड, बाय एंड सेल कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन फंजिबल टोकन्स को कंबाइन करके सैंडबॉक्स नए उभरते गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। इसके ऑफिशियल वाइट पेपर के अकॉर्डिंग सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म का मेन मिशन मेनस्ट्रीम गेमिंग में, यानी कि गेमिंग की दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली इंस्टॉल करना है। सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म एक क्रिएटिव प्ले टू अर्न मॉडल पर फोकस करता है जहां यूजर्स एक साथ गेम क्रिएटर्स और गेम प्लेयर्स दोनों ही बन सकते हैं। सैंडबॉक्स सैंड यूटिलिटी टोकन के जरिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पावर्स को यूज करता है जो इसके प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शंस की सुविधा देता है। दोस्तों, सैंडबॉक्स ने गेमिंग की दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था और यही चीज इसे एक यूनिक प्लेटफॉर्म बनाती है। इसने गेमिंग की दुनिया में एक अलग ही प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। यहाँ गेमर्स ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट पर फोकस करते हुए सैंडबॉक्स ने एक मेटावर्स और इन्वॉल्व प्लेयर्स क्रिएट किया जो इस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इतना ही नहीं, सैंड टोकन को लॉन्च कर सैंडबॉक्स ने डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को प्रमोट किया है और यूजर्स यहाँ पर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए अपने व्यूज एंड आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, सैंडबॉक्स में अब इन्वेस्टर्स और यूजर्स दोनों का ही इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए कई सारे एक्सचेंजों पर सैंड टोकन का ट्रेड शुरू हुआ है। बाइनेंस के पास सैंड टोकन का लार्जेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है। करेंटली बाइनेंस इसके लिए मोस्ट एक्टिव एक्सचेंज है। दोस्तों, अभी के टाइम में सैंड क्वाइंस का सर्कुलेटिंग सप्लाई 890 मिलियन है और इसका टोटल सप्लाई 3 बिलियन है।